हेलो दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और हम लोग इस वीडियो में बेसिक कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। बेसिक कैलकुलेशन बोलने का मेरा मतलब ये नहीं है कि हम लोग गुणा भागा जोड़ घटाओं के बारे में बात करेंगे। कुछ फिक्स रिजल्ट होता है, कुछ फिक्स इसके बारे में भी आपको बात होगा, इसके बारे में भी हम लोग का ये वीडियो आएगा जहाँ से हम लोग बेसिक कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग का जो वीडियो है, ये फिक्स कुछ रिजल्ट बनता है उसको हमने क्या रखना है, ध्यान रखना है। और ये बात ध्यान आता है तो पेपर में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस सवाल का आंसर करेंगे। और जो मैं आज इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ वो अगर पेपर में पूछा आता तो सेम इसी तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स रिजल्ट होता है जिसको हम लोग क्या करना है, जानना है। तो मैं इस चीज़ की शुरुआत करता हूँ। पहले एक छोटा सा सवाल लिख के मैं इस चीज़ को समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। 91 × 93 प्लस में कितना होगा, 1 था, तो आपको इसका आंसर करना है। तो मेरे पास बहुत सारा तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, लेकिन मेरे पास जो अभी तो तरीका आना चाहिए, डायरेक्ट आना चाहिए कि हम डायरेक्ट देखें और आंसर को क्या करें, निकाल पाए। तो मेरे पास और क्या तरीका, जैसे मैं और एक सवाल लिखता हूँ, 998 × 1000 + 1 2001 × 2003 प्लस में कितना, 1, इसका आपने रिजल्ट बताना है। 999 × 9996 प्लस में कितना, 1। तो हम और एग्जांपल लेंगे। पहले आप क्या कीजिए, इस बात को समझिए कि मेरा जो निकालने का तरीका है वो बात आपको क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो यहाँ आप एक बात ध्यान से देखते होइएगा, जो जो मैंने संख्या लिया वो दोनों में गैप कितने का है, 2 का। यहाँ भी गैप कितने का है, 2 का। यहाँ भी गैप कितने का है, 2 का। यहाँ भी गैप कितने का है, 2 का। और यहाँ भी कितने का गैप है, 2 का। और रूट के अंदर में +1 जोड़ा गया है, +1 + 1, यानी सब कुछ रूट के अंदर है। तो ये एक तरीका का मैं इसको बोल सकता हूँ, ये फिक्स कुछ रिजल्ट होता है जिसको आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इस चीज़ की शुरुआत करेंगे हम लोग छोटा छोटा वैल्यू देके, यानी हमको एक तरीका से क्या आना चाहिए, पैटर्न बनाने आना चाहिए। अगर पैटर्न बना के हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो हो सकता है कि ये स्टार्टिंग के सवालों में क्या हो, स्टार्टिंग के सवालों में मेरा समय लगता होगा, लेकिन जब एक बार पैटर्न हमको बनाने आ जाता है तो हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप कोई भी नंबर, मैं इस चीज़ की शुरुआत करता हूँ, इससे पहले आपको छोटा छोटा बात बताने की कोशिश कर रहा था। क्या बात था, तो मैं छोटा छोटा संख्या लेता हूँ, रूट के अंदर में 1 ले लिया, लेकिन गैप कितने का लेना है, 2 का होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया और प्लस का कितना, 1। अब यहाँ जो मेरे पास बात आता है, अब ध्यान से देखते हुएगा, तो ये तो कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके अपेक्षा मुश्किल नहीं है, तो मैं इसको आसानी से बोल सकता हूँ। 3 × 1 = 3 + 1 = 4, रूट के बाहर निकलेगा, मैं इसको लिख सकता हूँ। 3 × 1 = 3 = 4, और बाहर निकलेगा तो कितना, 2। अब यहाँ से भी मैं थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ, 2 का हमको गैप चाहिए, तो इस बार 1 के जगह पर मैं 2 लिया, तो यहाँ कितना लेना होगा, 4 लेना होगा, प्लस कितना, 1। तो यहाँ भी मैं बोल सकता हूँ 4 × 2 = 8 = 1 = 9, तो ये रूट के अंदर 9 आएगा, बाहर आएगा कितना, 3। फिर छोटा सा एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, 10 × 12 × 1, अब 12 × 10 = 120 है, 1 रूट के अंदर 121, और जानते होइएगा रूट से बाहर निकलेगा तो 121 क्या बन के आता है, तो 11 बनता है। तो यहाँ से आपको कुछ एक बात, कंडीशन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो बात यहाँ से आपके दिमाग में बैठना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए कि जो भी अगर मेरा संख्या में 2 का गैप है, अगर +1 जोड़ा गया और ये सब काम किसके अंदर हुआ है, रूट के अंदर हुआ है, तो मैं यहाँ बात आसानी से बोल सकता हूँ कि जो मेरा आंसर आ रहा है, जो मेरा आंसर आया है, इन दोनों संख्या के बीच का ही तो है। इन दोनों संख्या में कितने का, इन दोनों संख्या के बीच में कौन सा संख्या है,
तो 2 है, तो अपना आंसर कितना बना 2 है। इन दोनों संख्या के बीच में 3 है तो अपना आंसर कितना बना 3 बना, और इन दोनों संख्या के बीच में 11 है तो अपना आंसर कितना बना 11 आया। क्या यही पैटर्न यहाँ भी फॉलो कर रहा है, यही पैटर्न मेरा यहाँ भी फॉलो कर रहा है? तो अब चीज़ों को जब मैं समझ गया हूँ तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बोलता 91 और 93 का अंतर कितना, 91 और 93 के बीच संख्या कौन सा है, तो 92, तो अपना आंसर कितना होता 92। उसी तरीका से 998 और 1000 के बीच में मेरा कौन सा संख्या है, तो आप बोलिएगा सर 999 है, तो 999 तो मेरा आंसर है। इन दोनों संख्या के बीच आप अगर पूछा जाए कौन सा संख्या है, 1 और 3 के बीच में 2 होता है, तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि इन दोनों संख्या के बीच में 2000 क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। फिर इन दोनों संख्या के बीच में बात कर रहा हूँ तो 4 और 6 के बीच में 5 आता है, और उससे पहले हम 9 आया है जोड़ लेंगे, यानी 4 times 9 और 5, 4 times 9, 9, 9, 9, 9, 4 और 6 के बीच में कौन सा संख्या 5, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो शुरू से क्या कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि चीज़ों को समझने में क्या है आपको दिक्कत ना आए। मैं इसी तरीका का और सवाल लेता हूँ, जहाँ से बात आप समझिएगा कि बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक और लिया, इस बार मैंने 2 रूट लगा दिए, 79 × 82 और प्लस का 1, आपने इसका आंसर बताना है कितना होगा, आप एक ही बताइए। ज़्यादा टाइम हम लोग क्यों दें, ज़्यादा टाइम हम लोग क्यों दें, पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न आपको आना चाहिए, पैटर्न में अगर आ जाता है तो हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं। इस पार्ट को अगर तोड़ना है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 79 × 82 प्लस में कितना 1, और ये बात मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों के बीच में जो संख्या आएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो 79 और 82, 2 का गैप नहीं है ना, 2 का गैप नहीं है, तो मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ, 80 लेना था। ये फिक्स रिजल्ट होता है, आपको यहाँ पे दिमाग में नहीं लाना है कि यहाँ इस तरीका का होता, यहाँ ये संख्या ले लेते, यहाँ ये संख्या ले लेते, ये इस पर काम नहीं करेगा, ये कुछ फिक्स रिजल्ट होता है। तो मैं यहाँ बात आसानी से बोल सकता हूँ, यहाँ 80 था, अगर ये कंडीशन दिया होता तो दोनों का बीच का आंसर कितना होता मेरा 81। तो क्या मैं बाहर वाले रूट को छोड़ के मैं इतना को लिख सकता हूँ, इतना को मैं 81 लिख सकता हूँ, तो रूट के अंदर कितना आ गया मेरे पास 81, और ये बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा कितना होगा 9 होगा। मैं और भी कुछ कंडीशन आपको और कराता हूँ, ये कुछ फिक्स रिजल्ट, मैंने पहले ही बोला कि ये फिक्स रिजल्ट होते हैं, यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये 81 के जगह पे 82, 85, 88, 90, 2000, 5000 होता तो क्या होता, ये आपको ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान बात यही रखना है कि रूट के अंदर अगर 2 संख्या का मल्टीप्लाई देने के बाद अगर उसमें 1 जोड़ा गया है, तो आपने ध्यान रखना है कि उन दोनों संख्या के बीच का मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। रूट के अंदर अगर 2 संख्या का प्रोडक्ट में अगर 2 का गैप है और उसके साथ 1 जोड़ा गया है, तो मेरा आंसर हमेशा फिक्स होगा। उन दोनों जो प्रोडक्ट में जो संख्या को रखा गया, उन दोनों संख्या का बीच का ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। मैं चीजों को और थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, एक और खास पैटर्न बनता है, 1+2+3+...+19+, पहले 10 ले लेता, 10, 9, 8... कहां तक, 1 तक, इसका आंसर कितना 1+2+3+...20+...+1, इसका आंसर कितना 1+2+3+4+...30+... कितना 1 तक, इसका आंसर कितना, ये 30 है। 1+2+3+4+...40... कहां तक 1 तक, कुछ भी आप संख्या ले लीजिए, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, आपका आंसर हमेशा ध्यान रखना, ये भी एक
तरीका का क्या है, खास जो होता है पैटर्न है जिसने आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी मैं चीज़ों को ऊपर लेके आता हूँ और इस बात को मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ भी आंसर क्या आना चाहिए था और इसका आंसर हम जल्दी से निकालने के लिए कौन कौन से अप्रोच मेरे पास होना चाहिए। इसको मैं बेसिक तरीका से आपको कराऊंगा, फिर उसके बाद से डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा कि वहाँ से आप चीज़ों को आसान बनाइए और डायरेक्ट आंसर क्या कीजिए लीजिए। अब यहाँ बात मेरे पास आता है, अब ये खास पैटर्न में कोई भी एक नेचुरल नंबर का सम, प्राकृत संख्या का सम, यानी एक उसमें हाईएस्ट एक नंबर तक गया है और फिर हाईएस्ट नंबर से फिर वापस ये घटते घटते कहाँ तक आ गया है, एक तक आ गया है। यानी ये चीज़ों को मैं बोल सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाईएस्ट नंबर हुआ, फिर 10 से 9 8 7 6 5 4 3 2 इस तरीका से ये क्या होता है, पैटर्न होता है जिसको एग्जामिनर सेट करता है और वो जानना चाहता है कि इसका आंसर है किस तरीका से आप लगाते हैं। तो एक आप जानते होइएगा नेचुरल नंबर का सीरीज का सम जो होता है मेरे पास, प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है मेरे पास n × n + 1/2 होता है, n × n + n × n + 1/2 क्या होता है मेरे पास 2 होता है। ये नेचुरल नंबर का क्या है, सम है। तो मैं यहाँ से बात बोल सकता हूँ ये एक तरीका का नेचुरल नंबर दिख रहा है किसके जैसा, नेचुरल नंबर के जैसा। तो क्या यहाँ मैं वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यहाँ तक तो मैं लगा ही सकता हूँ, 1 से शुरुआत हुआ और 10 तक गया है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे लगा के आपको बोलता n × n + 1/2 है, आप इससे सॉल्व कीजिए इसका आंसर आ जाएगा। फिर मैं क्या करता, 1 से लेके मैं देख रहा हूँ यहाँ 9 तक, ये भी एक तरीका का नेचुरल नंबर ही है, मैं इसको भी जोड़, इसको भी इस फॉर्मूला पे सेट करता, मैं इसको एक निकाल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो n का वैल्यू होगा वो 10 है, तो 10 × 10 + 1 11/2 अभी मैंने यहाँ तक निकाला, अब मैं यहाँ तक निकालता हूँ, ये उल्टा 1 से लेके 9 तक है, ये भी तो नेचुरल नंबर ही है, तो मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ जोड़ा गया है तो प्लस, ये 1 से लेके 9 तक में सबसे बड़ा डिजिट n का वैल्यू 9 है, तो 9 × 1 = 10/2 मैं यहाँ से बोलता ये 5 times, मैं यहाँ से भी ये बोलता 5 times, तो 11 × 55 और प्लस का 5 × 9 = 45, तो आप डायरेक्ट आंसर बोलते कितना आता मेरे पास 5 × 5 = 10 5 × 5 = 10 5 × 9 = 10, तो आंसर मेरे पास कितना होता है 100 होता है। एक तो ये बेसिक अप्रोच है, ये बेसिक अप्रोच है जहाँ से आप डायरेक्ट इसका क्या कीजिएगा आंसर कीजिएगा। मैंने पहले भी बात बोला, एक आप नोट करके बात ध्यान में रखिए, एक बात आप नोट करके ध्यान में रखिए, क्या बात है वो भी, अब ये बात आपको आता है कि कहीं पर भी अगर सवाल में आपको डॉट डॉट नज़र आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, कहीं भी सवाल में आपको अगर डॉट डॉट नज़र आता है तो आप कोशिश कीजिए कि हम उसको क्या करने, पैटर्न बनाए, पैटर्न बना के सॉल्व करेंगे तो चीज़ें मेरे लिए क्या होगी, आसान होगी। तो मैं यहाँ से बात बोल सकता हूँ ये डॉट डॉट आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका ये कुछ खास पैटर्न बनता होगा, कुछ क्या बनता होगा, ये खास पैटर्न बनता होगा। मैं इस चीज़ों को थोड़ा सा बताने से पहले मैं कुछ बेसिक बात आपको छोटा छोटा वैल्यू लेके इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा पैटर्न बनाने का जो तरीका होगा क्या होगा। अब इस बात को आप यहाँ से समझिए, 1 फिर मैंने 2 ले लिया और फिर वह कितना लिया 1, यानी इस चीज़ को भी बोल सकता हूँ 1 से शुरुआत हुआ 2 पे, 2 बड़ा नंबर और फिर 2 से घट के मेरा कितना हो गया 1 हो गया। मैं इसको इस तरीका से भी और बढ़ा के लिखना चाहता तो 1 + 2 + 3, फिर ये बड़ा संख्या आ गया तो 2 और प्लस कितना 1, फिर मैं और बढ़ा के थोड़ा सा लिखता 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, मैं इसको इस तरीका से लिख सकता हूँ। अब यहाँ एक बात समझ में आता होगा, इसको तो हम आसानी से जोड़ ही सकते हैं, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 5, 4 = 9, 3 × 3 = 6, 4 × 10 = 15, 1 = 16, तो आप यहाँ से भी कुछ बात आपके दिमाग में बैठता होगा कि जो संख्या बड़ा है, जो संख्या बड़ा है उसी का ही तो स्क्वायर आंसर हो रहा है, जो संख्या बड़ा था 2 तो 2 का स्क्वायर ही आंसर कितना बना 4 बना, इस पूरे सीरीज में 3 बड़ा था और 3 का स्क्वायर कितना बनता है 9 बनता है, इस पूरे सीरीज में 4 बड़ा था और 4 का स्क्वायर ही तो 16 होता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि कोई भी नेचुरल नंबर का सम अगर बड़ा संख्या के बाद से फिर वापस रिटर्न होके कहाँ
तक आए हैं हम, एक तक आए हैं, इसका मतलब ये भी एक फिक्स रिजल्ट होता है। हमेशा आंसर जो संख्या बड़ा दिया गया होगा उसी का हमें स्क्वायर कर देंगे तो आंसर अपना आ जाएगा कितना, तो 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, उसी में ये 20 था तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता आंसर मेरा 400, ये 30 था तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाता 900, यहाँ 40 था तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 × 16 पर कितना 0 4 0, तो अपना आंसर हो जाता कितना 40 का स्क्वायर 1600 होता ना, 40 का स्क्वायर 1600 होता, ये अपना आंसर हो जाता। वही सीरीज अगर 50 तक होता तो मैं बोलता 50 का स्क्वायर 25 तक, यही सीरीज अगर 4500 तक होता तो मैं 45 का स्क्वायर निकाल के उसका आंसर बता, और 45 का स्क्वायर मेरे पास होता कितना है तो 45 का स्क्वायर होता है 20 25, अगर ये सीरीज 25 से वापस फिर एक तक आता तो हम 25 का स्क्वायर, यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ खास पैटर्न है, मैंने पहले ही बोला था कि कुछ खास पैटर्न है जिसको आपने ध्यान रखना है। अब 2017 के पेपर में एक आ गया इसी तरह का सवाल और रूट के अंदर डाल दिया, तो ये थोड़ा सा आपको ये अगर प्रैक्टिस होता तो ये बात आंसर दिख रहा है कि आंसर मेरा 40 ही आएगा। अब ये 40 आया कहां से, इस बात को मैं आपको समझाता हूं। अगर ये रूट नहीं होता, अगर ये रूट नहीं होता तो मेरा आंसर 40 का स्क्वायर होता। क्या इसका आंसर 40 का स्क्वायर होता, और रूट के अंदर जब स्क्वायर होगा तो रूट को कैंसिल करके केवल क्या बचेगा मेरे पास 40 बचेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पार्ट को मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा था वो मैंने आपको समझा पाया होगा। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं और देखता हूं कि और क्या क्या कुछ खास पैटर्न होते हैं जहां से हम क्या करेंगे सवाल का आंसर करेंगे। तो मैंने दो पार्ट बता दिया, तीसरा पार्ट पे मैं आपको ले कर चलता हूँ, यहाँ क्या क्या पार्ट आता है। तीसरा जो मेरे पास है 99, 99, 91, 98 × 99, फिर मैं लेता हूँ दूसरा सवाल, पहले मैं इसको आपको सॉल्व कराता हूँ बेसिक तरीका से, उसके बाद से मैं इसका शॉर्टकट भी तरीका बताऊँगा जहाँ से आप आंसर डायरेक्ट लगाइएगा। मैं इसी के जैसा एक छोटा सवाल लेता हूँ 9 × 8 / 9 × 9। अब यहाँ बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ बात आपने ध्यान रखना है कि इन दोनों संख्या के बीच में जो यहाँ कुछ गैप बचा हुआ है तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ वहाँ प्लस छिपा होता है। जैसे मैं इसका बात करूँ 9 3 4, 9 होल 3/4, तो मैं इसको ये लिखूँ या इसके बदले में मैं ये लिखूँ 9 + 3/4, दोनों का मतलब क्या हुआ मेरे पास सेम हुआ। यहाँ भी मैं बोल सकता हूँ 96 + 3 39/4 है, यहाँ भी 9 × 36 = 39 क्या है 4 है। तो चीज़ों को आप समझते चलिए, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ जो मेरे पास तरीका है इसको सॉल्व करने का, क्या यहाँ मैंने अभी बताया था क्या यहाँ इस गैप में प्लस छिपा है, तो मैं इसको इस तरीका से लिख सकता हूँ 9 + 8/9 और होल कितना है 9, मैं लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ 9 + 81 + 8/9 और गुणा में कितना 9, ये इससे कैंसिल हो जाता, मैं इसको केवल जोड़ देता तो आंसर मेरे पास कितना हो जाता 89, तो ये अपना आंसर हो गया। मैं यहाँ पे एक तो मैं बेसिक तरीका से, आप इसको बेसिक तरीका से सॉल्व कीजिएगा, जो मैं आंसर ट्रिक से ला के आपको दिखाऊंगा वही आंसर आपका क्या कि बेसिक से भी आएगा। अब यहाँ चीज़ों को आसान बनाने के लिए क्या मैं तरीका लगा रहा हूँ उसको आपने ध्यान रखना है, चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैं क्या तरीका लगा रहा हूँ आप उसको ध्यान रखिए। अब यहाँ जो मेरे पास बात आता है कि जो इससे पहले मैंने, ये मेरा मेथड नंबर क्या है 2 है, मेथड नंबर क्या है मेरे पास 2 है। अब इस चीज़ों को आसान बनाने के लिए देखिए मैं ध्यान से मैं इसमें क्या तरीका लगा रहा हूँ। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो यहाँ संख्या दिया गया है जो यहाँ, लेकिन ये तरीका का ये इससे कटना चाहिए, जो यहाँ लिखा गया वही यहाँ लिखा गया होगा तभी ये कटेगा, अगर कटता है और कुछ कंडीशन इस तरीका से बनता है तो इसका फिक्स रिजल्ट है। बस फिक्स रिजल्ट आपने क्या ध्यान रखना है कि जो यहाँ 9 दिया गया होगा वहाँ 9 लिखेंगे, जो यहाँ 9 लिखा, जो यहाँ 9 लिखा गया होगा मैं उसको यहाँ लिखूंगा, और इस फ्रैक्शन पार्ट से पहले जो 9 होगा मैं उसके बदले यहाँ क्या रखूंगा 0 रखूंगा, और इन दोनों संख्या का बीच का गैप माइनस कर लूंगा। तो 8 और 9 में कितने का गैप है, 1 का गैप है, तो मैं आंसर बोल सकता हूँ कितना आएगा 89 आएगा।
ये तो मेरा दूसरा तरीका हो गया। अब यहाँ पे मैं फिर से एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, इस मल्टीप्लाई के जगह पे जितना बार 9 होगा आप यहाँ 9 लिखिए, इस फ्रैक्शन से पहले जितना बार संख्या लिखा गया होगा उतना बार हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और इन दोनों संख्या का बीच का हम गैप को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इन दोनों में 1 का गैप था तो मेरा 90 में से घट के कितना आ जाता, 89 आ जाता। मैं इसी चीज, मेरे पास एक और तरीका है, मैं डायरेक्ट यहाँ से आंसर बोल सकता हूँ। तीसरा जो तरीका है ये बाई ऑप्शन मेथड है, बाई ऑप्शन मेथड। चार ऑप्शन पेपर में हम लोग को मिलता है, वहां से एक ऑप्शन इस तरीका से जरूर फिक्स किया होगा जो मेरा सही आंसर होगा। एक तरीका, एक ऑप्शन, चारों ऑप्शन में एक तो ऑप्शन मेरा सही होता है। अब यहां मैं हो सकता है कि एक ही टाइप का दो ऑप्शन मैच कर जाए, एक ही टाइप का दो ऑप्शन यानी कुछ डिजिट का क्या हो, फर्क हो, तो आपको ऑप्शन से ना अगर दो ऑप्शन एक जैसा मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे, बेसिक से करेंगे, ट्रिक लगा लेंगे। ये भी एक तरीका का है जहां से आप समय बचा सकते हैं। तो यहां ध्यान देना है, जो भी संख्या लिखा गया होगा उसका हम केवल यूनिट डिजिट को देख के हम आंसर बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट देख के आंसर मेरा कितना होगा। तो मैं यहां बोल सकता हूं यहां ऊपर में कितना है, 8 है, तो मेरा आंसर जो भी संख्या लिखा गया होगा इस 8 से हमेशा कितना ज्यादा आएगा, 1 ज्यादा आएगा, और इससे पहले जो संख्या आया होगा अब ये हम चेक करेंगे, ऑप्शन एक ही में मिल गया तो मेरा यही आंसर हो सकता है कि दो ऑप्शन में मिल जाए, तीन ऑप्शन में मिल जाए, या चारों ऑप्शन में 9 मिल जाए। तो मेरा निकालने का जो तरीका आप वहीं से कीजिएगा। ये थोड़ा सा समय बचाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, और एसएससी आपको इतना नज़दीक नज़दीक संख्या नहीं देता है, आपको थोड़ा सा क्या रखता है उसमें, दूरी बना के रखता है, ताकि आप क्या कीजिए, ऑप्शन के सहारे भी आप आंसर कीजिए। अब यहाँ से जो मेरे पास बात आता है, इसको मैं देख के बोल सकता हूँ कि यहाँ अगर 92 लिखा गया है इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 92, और इससे पहले कोई ना कोई संख्या होगा। ये मैं इसका आंसर केवल 92 नहीं बोल रहा हूँ, ये इकाई संख्या और दाई संख्या यहाँ दो डिजिट का था, तो इससे जो मेरा आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, और इससे पहले कुछ भी संख्या रहा होगा, इससे हमको क्या मतलब है, कुछ भी रहा होगा। अगर दो ऑप्शन मैच कर सकता है तो आप दूसरा नंबर तरीका लगाइए, जो मैं इसको ट्रिकी मेथड बोल रहा हूँ आप इसका लगाइए। यहाँ अगर 9 है, यहाँ पे 2 बार 9 है, यहाँ गलत हो गया ना, ये 99 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, 99 होना चाहिए। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ जो संख्या है 99, मैंने 99 को रखा, जो यहाँ संख्या है उतना बार मैं क्या रखूँगा, 0 रखूँगा, और इन दोनों संख्या के बीच में कितने का गैप है, 8 का गैप है, तो मैं यहाँ से 8 माइनस कर लेता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर हो जाएगा ये तो 92 होगा, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ 8 आएगा, और ये कितना आएगा, 9 आएगा, तो अपना आंसर कितना हो गया, इतना आ जाएगा। मैं और भी एग्जाम्पल लेके इस बात को आपको समझाता हूँ, और आप क्या कीजिए, इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तरीका बहुत सारा, मैथ का तरीका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हमको वही तरीका लगाना है जहाँ से हम समय के अकॉर्डिंग क्या करें, आंसर कर दें। और यहाँ से जो मेरे पास और सवाल आता है, 9993999 इंटू में कितना, 999, अपना आंसर कितना, 9899 9899 9899 9999 9999, इसका आंसर आपने बताना है कितना आएगा। तो मैं चीज़ों को डायरेक्ट बोल सकता हूँ, एक तो भाई ऑप्शन जाइएगा तो आंसर मेरा 914 होगा, जो संख्या लिखा गया होगा हम उसको बोलेंगे लास्ट का इकाई, दहाई और सैकड़ा संख्या मिल के 914 बनता होगा, ये अपना आंसर है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 1 ज़्यादा आएगा तो 990 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, केवल आप अगर ऑप्शन को आप हटा सकते हैं तब आप इसका यूज कीजिएगा। अगर एक से ज़्यादा मिलता है तब थोड़ा क्या है, इसमें परेशानी हो सकता है, इसलिए आप बेसिक अप्रोच का क्या कीजिए, यूज कीजिए, या फिर मैं जो ट्रिक बताया हूँ ये हर जगह लगेगा, जो यहाँ 9 है यहाँ उतना ही बार 9 है, तो हम यही वाला संख्या ले लेंगे 999, इससे पहले जो यहाँ जितना संख्या होगा उतना हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, और इन दोनों संख्या का बीच का अगर हम गैप घटा लें तो इसमें कितने का गैप है, इसमें कितने का गैप है, तो 6,
यहाँ से 6 हो गया, यहाँ से मेरे पास 8 हो गया, यहाँ से कितना हो गया 0 हो गया, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। माइनस मैं करता हूँ इसको 4199899, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर मैं वही चीज़ यहाँ देखता हूँ, तो जो यहाँ जितना बार 9 है उतना बार मैं 9 लिख दूंगा, यहाँ जितना बार 9 है उतना बार मैं क्या रखूँगा 0 रखूँगा, 4 बार लिया है तो 4 बार, 5 बार होगा तो 5 बार, और यहाँ में गैप कितने का है, तो इस बार मेरे पास गैप 10 का है, तो मैं 10 को क्या कर लूँगा माइनस कर लूँगा, तो जो अपना आंसर हो जाएगा ये तो 90 होगा, और यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ भी होगा 9, यहाँ भी 9, लेकिन यहाँ क्या होगा 8 होगा। आप इस चीज़ को घटाइएगा तो आप आंसर यही पाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं इस सवाल को भी मैं समझा पाया हूँगा। एक कंडीशन और इसी में मैं देखता हूँ, एक कंडीशन इसी तरीका का और है, मैं इसको भी सॉल्व कराता हूँ आपको। ये कुछ फिक्स्ड रिजल्ट होते हैं जो आपको डायरेक्ट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, रेलवे में एसएससी में डायरेक्ट आपसे ये सवाल किया जाता है। अब यहाँ जो मेरे पास, अब जो मैं इसके बाद चलता हूँ, तो इस तरीका का एक सवाल बनता है 1/8 + 9/9 = 71 = 72 इंटू में कितना 9। पहले मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ बेसिक तरीका से, फिर क्या अप्रोच होगा उसका आंसर हम डायरेक्ट किस तरीका से करेंगे, आपको बस क्या रखना है उसका ध्यान रखना है। अब यहाँ जो मेरे पास बात आता है, यहाँ पे आपको दो कंडीशन ध्यान देना है, यहाँ पे आपको क्या करना है दो कंडीशन ध्यान देना है, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। अब आपको पहले तो बात, मैं इसको पहले बेसिक से आपको समझाता हूँ, क्या मैं इसको इस तरीका से लिख सकता हूँ 1/8 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 99 × 72 + 71 / 72 और मल्टीप्लाई किससे है 9 से। मैं इसको इतना लिख सकता हूँ, मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। अब जो मेरे पास बेसिक अप्रोच आता है इसको सॉल्व करने का, तो मैं इसको इससे इसको काट देता, कितना आ गया ये 8 आ गया, यह 8 आ गया। मैं यहाँ भी आपको कुछ बात समझा रहा हूँ, फिर वापस मैं इसके ऊपर आता हूँ। किसी भी संख्या में अगर आपको 9 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से, 99 से, 999 से, 4 × 9 से, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बात बताता हूँ। मैं आगे जब बेसिक कैलकुलेशन पार्ट लूँगा वहाँ मैं चीज़ों को अच्छे से समझाऊँगा। आप केवल इस बात को यहाँ ध्यान रखिए कि इसका आंसर हम डायरेक्ट किस तरीका से करेंगे। अब आपने ध्यान क्या रखना है कि मान लीजिए मैंने 27 को हमको मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो मेरे पास जो तरीका है बहुत सारा हो सकता है, लेकिन मैं डायरेक्ट शॉर्टकट पे आता हूँ 99 से मल्टीप्लाई करना, तो ये तो फिक्स रहेगा, जो इसके साथ संख्या होगा उसमें से हमेशा हम कितना माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे, तो जो अपने पास बचेगा कितना 26, और इस 9 से ये 6 जाएगा 3, इस 9 से ये 2 जाएगा कितना होगा, इस 9 से गया 3 और इस 9 से जाएगा कितना हो जाएगा 2, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा इतना होगा, आप चेक कर लीजिएगा। मैं 35 को अगर 99 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, मैं यहाँ से 1 घटाऊँगा 34 और यहाँ से चीज़ों को माइनस करूँगा तो 3465। उसी तरीके से मैं एक और यहाँ लेता हूँ, जैसे 99 को मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ 99 से, 1 घटाऊँगा कितना 98 और यहाँ से मैं घटाऊंगा तो 01। बस यही पैटर्न को मैं यहाँ भी उसी तरीका का बात यहाँ भी लग रहा है, इसमें तो लग रहा ना, तो मैं यहाँ तो लगा सकता हूँ। ये 1/8 प्लस मैं यहाँ घटाऊंगा, 1 माइनस करूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 71 और इसमें से इसको मैं माइनस करूँगा तो 82 और फिर प्लस में कितना है 71 और अपॉन में कितना है 8। ये तो इससे माइनस हो गया था, कैंसिल हो गया था। अब इस चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमको सिर्फ जोड़ लेना है, 8 आएगा जब जिसका डिनोमिनेटर से हो जाता है उसको ऊपर वाला पार्ट को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, घटाना है तो क्या करें घटा लें, तो सबको हम एक साथ जोड़ लेते हैं 1 + 7 1 2 8 + 71। मैं इसको अगर जोड़ता हूँ तो 1 1 2 8 10 7 2 9 1 10 1 1 2 7 1 8 और वापस मैं अगर 8 से डिवाइड करता हूँ, सही है 1 1 2 8 10 7 2 9 1 10 1 1 2 7 1 7। मैं यहाँ से डायरेक्ट बोलता 8 9 72 तो मेरे पास कितना आ जाता 900 आ जाता। तो मैं चीज़ों को आसान बनाने, आप इसको यूज कीजिएगा,
या मेरे हिसाब से इस मेथड से जाइएगा तो थोड़ा सा आपको टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट पे आता हूँ। बस अपने इस कंडीशन में दो ही बात ध्यान रखना है और वो दोनों बात मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि कौन कौन सा दो बात आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बेस में एट है, अगर बेस में मेरा एट है तो ये कैंसिल आउट होकर क्या बचना चाहिए, एट बचना चाहिए। एट क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, पहला। दूसरा है, इन दोनों संख्या का बीच का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ भी होना चाहिए। अगर दोनों संख्या के बीच में अगर डिफरेंस यहाँ भी उतना ही डिफरेंस आ रहा है जितना उस संख्या दिया गया है तो मैं यहाँ बता सकता, यही दो आपको कंडीशन क्या करना है, बार बार चेक करना है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ इसका आंसर फिक्स है, जो यहाँ संख्या रहेगा उसको हम यहाँ रखेंगे 9, और इससे पहले, इस फ्रैक्शन से पहले जितना संख्या उतना हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो अपना आंसर कितना आ जाता, 900 हो जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ पाए होइएगा। मैं और भी कुछ सवाल लेता हूँ और इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2/7 प्लस 999 35 गुणा 5, इसका आंसर आपने बताना है। 3/11 प्लस 9999 143 इंटू में कितना कर लीजिए आप, 13 कर लीजिए। 2/9 प्लस 99 63 इंटू में कितना 9, 3/8 9999 5 टाइम्स 9 88 इंटू में 11, इसका आंसर आपने बताना है। इसका आंसर क्या रहा होगा, तो मैं यहाँ पे वही कंडीशन बार बार चेक करता हूँ और यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 7 बचेगा। एक कंडीशन मैच कर गया, दूसरा कंडीशन क्या, दोनों का बीच का गैप 2 है तो यहाँ भी 2 है। तो मैं इसका आंसर आसानी से बोल सकता हूँ, जो यहाँ संख्या दिया है उसको मैं लिखूँगा और इससे पहले जो जितना बार संख्या उतना बार क्या रखूँगा, मैं 0 रखूँगा। 13 में आप 143 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 11 बचेगा, यहाँ भी 11 है। क्या गैप 3 का है तो यहाँ भी 3 का है, तो मैं बोल सकता हूँ 13 था तो 13 रखेंगे और इस फ्रैक्शन से पहले जितना बार संख्या उतना बार हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो अपना ये आंसर हो जाएगा। यहाँ भी मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 7 आपको करना पड़ेगा, ये 7 है। अगर 7 नहीं होता तब ये कंडीशन नहीं होता, तो हम बेसिक से करते हैं, यहाँ से मैं बेसिक से करते हैं। या मैं पहले ही बोला है कि यहाँ पे आपको कुछ सोचना नहीं है कि यहाँ ये संख्या होता तो किस तरह होता, वैसे होता तो कैसे होता। तो ये फिक्स रिजल्ट है, आपने ध्यान रखना। क्या यहाँ 7 आ जाएगा, डिफरेंस 2 का है तो मैं बोल सकता हूँ 9 आंसर में आएगा और इससे पहले जितना बार 0, यहाँ नहीं 900। यहाँ भी मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 8 बचेगा, गैप 3 का है, यहाँ भी गैप 3 का है तो मैं बोल सकता हूँ 11, 5 टाइम्स 9 है तो 5 टाइम्स क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। तो अपना आंसर ये इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। तो इन चीज़ों को मैं आपको समझा पाया हूँगा। अब उम्मीद करता हूँ कि इस तरीका का अगर सवाल आप पेपर में आता है या फिर कहीं भी प्रैक्टिस से देते हैं तो आप इसका क्या कीजिए, डायरेक्ट यूज़ कीजिए। और ये इस तरीका का सवाल डायरेक्ट ही होता है, हमको उसमें कुछ दूसरा अपने दिमाग में नहीं लाना है कि 5 होता, 7 होता, 8 होता, 10 होता, कुछ नहीं है। अगर कुछ खास पैटर्न में नहीं तो ये सॉल्व करने में आपको क्या होगा, काफ़ी समय लगेगा। और समय इसको मैं सॉल्व कराने के लिए आपको बेसिक अप्रोच भी बता चुका हूँ, वहाँ से आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो मेरा इसी तरीका से कैलकुलेशन पार्ट का वीडियो आपको क्या होगा, डायरेक्ट इसी तरीका से आपको मिलते रहेगा, जहाँ हम चीज़ों को क्या करेंगे, आसान बनाएंगे। तो आज का क्लास मेरा यहीं तक होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।